साहित्यमाना का एक फिल्म और टीवी अभिनेत्री है जिनका जन्म 25 जून 1986 को भारत में हुआ था। वो हिंदी और मराठी सिनेमा में काम कर रही है और फिल्मों और टीवी धारावाहिक में दोनों में दिखाई दी है। उन्होंने कई फिल्मों और धारावाहिक में अभिनय किया है जिसके लिए वो अपने प्रसंगों के बीच लोकप्रिय हुई है, जबकि उनकी पढ़ाई सावाकर प्रतिष्ठान से हुई। प्रारंभ वह थिएटर नाटकों में दिखाई दी और विभिन्न नाटकों में अभिनय किया है। बाद में वह छोटे पर्दे पर चली गई और फिल्मों में दिखाई देने लगी। इसके अलावा कई पुरस्कार की विजेता है और उन्होंने एक मध्यवर्ती थिएटर प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक थिएटर ग्रुप के साथ की और उस नाटक में दिखाई दी जिसका निर्देशन उनकी माँ की दोस्त ने किया था। उन्होंने आधी अधूरी नामक एक अन्य नाटक में काम किया है जिसके लिए उन्हें एक इंटरमीडिएट थिएटर कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने कॉलेज जीवन के दौरान वो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी और साथ ही वो एक महान खेल खिलाड़ी भी थी। थिएटर करियर छोड़ने के बाद वो मराठी फिल्मों और धारावाहिक में नजर आई। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय धारावाहिक में गोजविंदा धारात, अग्निशिखा, साक्षी रे और अन्य शामिल है जो सजा करने लायक है। 2008 में उन्होंने प्रसिद्ध निर्देशक सुभाष राय की क्राइम थ्रिलर ब्लैक एंड व्हाइट से भी डेब्यू किया। उसी वक्त अभिनेत्री अपनी मराठी फिल्म की शुरुआत की। इस बीच उन्होंने अपने निर्माण कौशल पर हाथ अजमाया और बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के साथ सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म गजनी का निर्माण किया। 2015 में उन्हें क्लासमेट में भी काम किया जिसका निर्देशन आदित्य सरपोदार ने किया था। वहीं उन्होंने हंटर में भी काम किया था जिसमें वह जोत्साना के किरदार में नजर आई थी। 2016 में उन्हें मराठी फिल्म नो एंट्री पुते धोखा आए में भी काम किया जो बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म की रीमेक थी। फिल्म में उन्हें बिपाशा बासु के साथ काम किया था। 2016 में खूबसूरत अभिनेत्री फिल्म वजदान में भी दिखाई दी जिसे सचिन पुलकर ने निर्देशित किया था। इस भूमिका के लिए उनके प्रशंसकों ने उनके बिल्कुल अद्भुत प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। हालांकि उन्होंने विभिन्न फिल्मों में अभिनय किया है जिसके लिए वह लोकप्रिय हुई है और भारी प्रशंसा अर्जित की है, जबकि उनके प्रशंसकों ने उन्हें फिल्मों और उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए जाना है। विविध उपलब्धियों के बीच उन्होंने 2015 में क्लासमेट्स महाराष्ट्र का 4 फेवरेट फोन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इसके अलावा MF के 2018 में पसंदीदा लोकप्रिय चेहरे के खिताब से सम्मानित किया गया और MKF 2018 में पसंदीदा अभिनेत्री का खिताब भी जीता।